एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थाई ड्रामा डेविल सिस्टर एपिसोड 13। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में इरीन को दिखाया जाता है, कंपनी में मीटिंग चल रही थी। उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल खोलने वाली थी और उनकी फर्स्ट वीडियो होने वाली थी एक एनिमल बुक के रिगार्डिंग, और इसीलिए उन्हें एक वेट की ज़रूरत थी। सब लोग बोलते हैं हमें कोई गुड लुकिंग वेट चाहिए। इरीन बोलती है ठीक है, सारे वेट्स को तुम कॉल लगाओ जो भी हमारे जान पहचान के है। ज़्यादातर वेट कॉल नहीं उठा रहे थे, और जो उठा रहे थे वो बोल रहे थे उस दिन वो लोग बिजी रहेंगे। इरीन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, अब वो क्या करेगी सोच के। फिर वो सोचती है मैं नामचान को बोलूँगी। नामचान नर्स को बोलता है क्या प्लॉयचान आ गई है, वो बोलती है नहीं। तभी प्लॉयचान आती है और बोलती है देखिए ना एक्शन की तबीयत बहुत ख़राब है। फिर नामचा बोलता है लेकिन मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है हमारी पार्टनरशिप के बारे में, पर एक्शन की तबीयत तो बहुत ख़राब है, तुम तो नहीं आ पाओगी मेरे साथ। तभी वो बोलते हैं नहीं एक्शन तो पूरा ठीक है, एक्शन थोड़ा सा खड़ा होके दिखाओ। ये सब कर रही थी। नर्स बोलती है वाओ कितनी अच्छी ट्रेनिंग देती है। नामचा बोलता है इसीलिए तो इसके साथ मुझे पार्टनरशिप करनी है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां से ही पिंग ने उन दोनों को देखा था और उनकी फोटो क्लिक करी थी। फिर वो फोटो इरीन ने देखा था और वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी। वो मैसेज में भी लिखती है नामतान को कि आप अपने भाई का ख्याल नहीं रख सकती हो। नामतान बोलती है मेरा भाई अभी बड़ा हो गया है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं भी जा सकता है। फिर वो बोलती है क्या उसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलते पता नहीं शायद हो सकती है। नामचा नामतान को न्यू आइडिया दिखाता है कि वो पेट्स के लिए स्पा, होटल, स्विमिंग पूल या फिर ट्रेनिंग सेंटर ये सब खोलना चाहता है। नामतान बोलती है आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन डैड और पार्टनर्स मानेंगे या नहीं मुझे ये नहीं पता है, और शायद ये सक्सेसफुल होगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो बोलता है हाँ यही बात है। फिर इरीन कॉल करती है। फिर इरीन नामतान को सब कुछ बोलती है कि उसके शो में उसे आना होगा। पहले वो मना करती है फिर वो मान जाती है। फिर इरीन बोलती है नामचा किस लड़की के साथ था, वो बोलती है पता नहीं तुम इससे ही पूछ लो। फिर इरीन घबरा के कॉल कट कर देती है। नामचा हंसता है जिन पूरा दिन इनका ख्याल रख रहा था और वो इनके लिए खाना लाता है। वो बोलती है मुझे नहीं खाना है, क्या मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। फिर वो उसके लिए रैमन बना के लाता है और वो सैड थे इसीलिए क्यूट सा फेस बना के देता है। फिर वो हंसती है। फिर वहाँ पे इरीन उसे कॉल करती है। इरीन बोलती है रात को मैं आने वाली हूँ, तुम्हें रात में रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है नहीं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। पीछे से इन जोर से बोलती है उसे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो यहाँ पे आई ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर जिन बार बार बोलता है तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, इन नहीं चाहती। वो बोलते नहीं मैं तो आऊंगी। इन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जिन उसे संभालता है और जिन उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था इसीलिए इन बहुत खुश थी। फिर इन सो जाती है, जिन उसे सुला रहा था। फिर वहां पे इरीन आती है। वो बोलता है मैंने तो तुम्हें मना किया था ना। वो बोलती है नहीं मैं नहीं चाहती कि रात को वो अकेली रहे, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम हमेशा यहाँ पे हो, तुम जाके रेस्ट लो। इरीन की आंख खुल जाती है, वो उन दोनों को देख रही थी। फिर जिन वहां से चला जाता है। इरीन इनको बोलती है तुम उठ गई, आज रात मैं तुम्हारे पास रहूंगी। इन उसे बार बार बोलती है तुम यहां से निकल जाओ। वो बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, कल रात मैं सो नहीं पाई तुम्हारे टेंशन में। वो बोलती है आज तक तो तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया, मेरी केयर तुमने कभी भी नहीं की, तो तुम यहां से चली जाओ। वो बोलती है मुझे तुम्हारे लिए टेंशन होती है, क्या मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वो बोलती है नहीं। फिर इरीन बोलती है मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। वो बोलती है तुम मर जाओ। इरीन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे मारना चाहती हो। इरीन बोलती है तुम्हारी वजह से आज तक मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, जबकि तुम्हारे साथ उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, तुम सबसे बहुत बदतमीजी से बात करती हो, बहुत बुरा बिहेवियर करती हो, तुम हमेशा गुस्से में रहती हो, तुम हमेशा सबको डांटती रहती हो, फिर भी लोग तुम्हें ही पसंद करते हैं, और मुझे देखो मैं तुम्हारी ऑपोजिट हूँ, हमेशा सबका मन रखती हूँ फिर भी कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, पसंद तो दूर की बात कोई मुझे पूछता तक नहीं, सबको लगता है कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती हूँ, अगर तुम मर जाओगी शायद तब मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए। फिर इरीन उसे बोलती है अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है ना तो तुम पहले ठीक हो जाओ, ऐसे बेड पे लेट के मुझसे लड़ो मत,
और अगर तुम ठीक हो जाओगे, फिर अगर मेरे लेवल में आ जाओगे, फिर मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगी। फिर इन बोलती है, अच्छा तो प्रॉमिस करो तुम मुझे अपना सब कुछ दे दोगी। इरिन बोलती है, हाँ दे दूंगी। इरिन बाहर आके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वहाँ पर नामचा आता है और बोलता है, क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? वो बोलते हैं, कुछ भी नहीं। फिर वो बोलती है, इन अंदर है और वो जगी हुई है, जाओ उससे मिल लो। नामचा बोलता है, मैं उससे मिलने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। मुझे पता था कि तुम यहाँ पर ही होगी और किसी से मुझे नहीं मिलना है। इन अंदर से सब कुछ सुन रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। इरिन नामचा से पूछती है, क्या मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, इसीलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं? मुझे पता है कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, और मेरी ही गलती है इन मुझसे इतनी दूर हो गई। अगर मैं उसकी थोड़ी सी केयर करती तो शायद ऐसा नहीं होता है। अब तो मुझे वो देखना तक नहीं चाहती है। नामचा बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे पेरेंट्स जाने के बाद तुम्हें ही सब कुछ देखना पड़ा, बिजनेस, घर, अपने दादाजी को, अपने बहन को, और तुम तब बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तुम तो तब ग्रेजुएट भी नहीं हुई थी, इसीलिए तुम अंदर से थोड़ा सा हार्ड हो गई हो। तुम एकदम कोकोनट की तरह हो, बाहर से स्ट्रांग और अंदर से बहुत सारा प्यार है तुम में। वो फिर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नामचा बोलता है, तुम मेरे साथ सब कुछ कर सकती हो, रो सकती हो, अपना मन हल्का कर सकती हो, सिर्फ तुम एक चीज़ मत करना, इस बार प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इरिन के दादाजी एक्सरसाइज कर रहे थे। वहाँ पे नामचा की मोम आती है और वो बात करना चाहती थी। वो बोलते हैं, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करना है, आप लोग हमारे घर से दूर रहना, और आपके बेटे को बोलना कि मेरी ग्रैंड डॉटर से वो दूर रहे। वो बोलती है, क्या हुआ? दादाजी बोलते हैं, उसी से पूछ लेना। फिर वहाँ पर नामचा आता है और वो अपने बेटे से पूछती है, क्या हुआ तुमने उनके साथ क्या किया है? वो इतना गुस्से में क्यों थे? क्या तुमने इनके साथ कुछ किया? वो बोलता है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, आप टेंशन मत लो। नामचा अपने पेरेंट्स को न्यू आइडिया दिखाता है। उसके डैड बार बार मना कर रहे थे, लेकिन उसकी मॉम बोलती है, नहीं ये अच्छा है, हमारे बेटे को करने दीजिए। फिर वो मान जाते हैं और नामचा सोचने लगता है, इरिन के दादाजी ने उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया था, बोला था कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, वो अभी भी बच्चा है। फिर वो बोलता है, मुझे इस बार प्रूफ करना है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हर रोज नामचा इरिन के लिए गिफ्ट्स लाता था और उसे हंसाने की कोशिश करता था, लेकिन वो हंसती नहीं थी और अजीबोगरीब वो फेस बनाती थी और वो फोटो खींच के भाग जाता था। इरिन उसे डांटती थी। एक दिन उसने गिफ्ट नहीं रखा था, फिर वो ढूंढ रही थी, नामचा खुद था, और वो छुप के अंदर आता है क्योंकि उसका अंदर आना मना है। इरिन बोलती है, मेरा गिफ्ट कहाँ है? क्या इतनी जल्दी थक गए गिफ्ट देते देते? नामचा बोलता है, आज तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है, आ जाओ मुझे हग कर लो। फिर वो उसके पीछे पीछे भागता है और वो आगे आगे भागने लगती है। और अंदर दादाजी, जिनको बोलते हैं, नामचा हमारे घर में आता तो नहीं ना? जिन बोलता है, नहीं 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 आता। फिर वो इनके बारे में पूछते है। जिन बोलता है, आज वो डिस्चार्ज होने वाली है। दादाजी बोलते है, किसी को भेज देना उसे पिकअप करने के लिए। जिन बोलता है, नहीं मैं आपको पहले ऑफिस छोड़ूंगा, फिर मैं उसे लेने जाऊंगा। फिर दादाजी पूछते हैं, फिर कभी वो सुइसाइड करने की कोशिश तो नहीं करेगी ना? वो बोलता है, नहीं अभी वो पूरी ही ठीक हो चुकी है। फिर वो बोलते हैं, ये लड़की ना बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, अगर वो आधा भी अपने सिस्टर की तरह होती ना तो बहुत ही अच्छा होता, इसके हवाले मैं अपनी कंपनी कैसे छोड़ू? जिन बोलता है, इरिन है ना? वो बोलते है, इरिन और इनकी बात अलग है। वो पूछता है, मतलब? वो बोलते है, अरे कुछ नहीं, इरिन अच्छी है और इन बहुत ही बदतमीज। नामतन बहुत ही रेडी होके आई थी ब्रेकफास्ट के लिए। उसके मॉम डैड पूछते हैं, तुम कहीं जाने वाली हो? वो फिर बताती है, इरिन के शो में मुझे जाना है। नामचा बोलता है, उसने तुम्हें क्यों बुलाया? तुमसे स्मार्ट तो मैं हूँ। फिर उसकी मॉम बोलती है, मेरी बेटी तो सेलिब्रिटी बनने वाली है। उसके डैड बोलते है, वहाँ पे फ्री में काम मत करना, हमारे हॉस्पिटल को तुम प्रमोट करना, और नामचा का जो न्यू आइडिया है उसे भी, हमारा भी प्रॉफिट होगा और उनका भी। उसके मॉम बहुत ज़्यादा उन्हें डांटती है, बोलती है, इन दोनों को आप खाने तो दीजिए, और हमेशा आप अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। ऑफिस में शूटिंग की सारी तैयारी हो चुकी थी, वहाँ पे ढेर सारे रिपोर्टर्स भी आए थे। दादाजी इरिन से पूछते हैं, तुम्हारी गेस्ट कब आएगी? वो बोलती है, आ जाएगी, उसने बोला है वो टाइम पे आ जाएगी।
और रास्ते में बहुत ज्यादा जैम था और वहाँ पे वो फंसी हुई थी और नामतान का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार ओनर उसे जाने ही नहीं दे रहा था। वो बोलती है मुझे बहुत ज्यादा जल्दी है जाने की, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। इधर उसे इरिन बार बार कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठा पा रही थी क्योंकि वो बाहर थी। इरिन बहुत ज्यादा टेंशन में थी। ऊपर से ऑफिस के स्टाफ्स बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, बोल रहे थे ये बहुत ज्यादा बुरी है, इसके साथ तो बहुत अच्छा हुआ, ठीक ही हुआ इसके साथ। और दादाजी भी बहुत ज्यादा टेंशन में थे, इतने सारे लोग गए थे। तभी वहाँ पे नामचा की एंट्री होती है, वो रेडी होके आया था। वो बोलता है मुझे आने में देर हो गई, आई एम वेरी सॉरी, और उसे हैरानी से इरिन देख रही थी। एपिसोड 13 यहीं पे खत्म होती है, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।